दोस्तों आमिर करीम खटक बरकी आर्मरी इंटरनेशनल के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में पेश। वी प्रोवाइड स्ट्रेंथ इन योर हैंड्स, एक बहुत ही यूनिक किस्म का आर्टिकल लेके आपकी खिदमत में पेश हूँ। बज़ाहिर आपको मेरे हाथ में एक AK-47 नजर आ रही होगी और फिर क्लाशनकोप, लेकिन है नहीं जी। ये दो की बनी हुई रशिया की है, मलोट कंपनी की बनी हुई है। सारा इसमें मैकेनिज्म जो आपको नजर आ रहा होगा वो AK-47 का ही नजर आ रहा होगा, लेकिन थोड़ी सी नया जमाना, नया दौर और मॉडिफिकेशंस और नई चीजें। तो ये एक नया मॉडल है जी, बज़ाहिर दिस इज क्लाशनकोप बट दिस इज 9mm जी। इसमें 9mm की जो है वो मैगजीन्स लगती है, ये 9mm के प्लेटफॉर्म लूगर पे चलती है। आप अगर इस मैगजीन को देख लें, मैगार कंपनी की बनी हुई, बहुत सारे पिस्टल्स में ये मैगजीन यूज होती है जो कि इसमें कंपेटेबल है। और इसके अलावा इसमें आपको मशहूर ज़माना जो इसका एक होता था क्लीनिंग किट, वो भी इसकी पीछे जो है क्लीनिंग किट भी आपको मिल सकती है। बोल्ट आप चेक कर लीजिए जी, वही रशियन क्वालिटी, रशियन स्टील और वही सॉलिडनेस जो के होती है। एक्शन इसका मेरे ख्याल में ब्लो बैक होगा, मुझे गैस दिस इज गैस एक्शन जी, दिस इज नॉट सिंपल ब्लो बैक, दिस इज वही प्लेटफॉर्म है जो क्लाशनकोप का यूज हो रहा है और बिल्कुल आपको वही फीलर देगा कि आपके पास जो है वो पुरानी वाली जिसको हम कलमी क्लाशनकोप कहा करते थे। थोड़ा सा अगर इसके बारे में हम अपने एक भाई से कुछ फर्दर मालूमात ले रहे, ज़िया भाई क्या कहते हैं आप इस गन के बारे में, इसकी हिस्ट्री क्या है, क्लाशनकोप ये इस मॉडल को क्या नाम लिया जाता है, क्या कहते हैं? क्लाशनकोप के नाम पे जितने भी सबसे पहले राइफल बने हुए थे ना रशियन क्लाशनकोप का, वो उसकी बहुत ज्यादा मांग, क्योंकि इसकी मैकेनिज्म जो मैकेनिज्म ये बनी हुई ना उसकी मांग ज्यादा है। और इसको इन लोगों ने 75 मॉडल जो है ना जो कि सबसे ज्यादा सेल हुई है उस हिसाब से बनाया हुआ है, यानी कि इसको 9mm 75 मॉडल हम इसको बोले, क्योंकि उसमें जो है ना गैस ऑपरेटिंग सिस्टम में भी वो चीज नहीं है, सेम वही चीज 75 मॉडल क्लाशनकोप सेम यही चीज है बस। बहुत शुक्रिया जिया भाई, बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों इस वक्त पे दिस इज अवेलेबल एट बल्की आर्मरी इंटरनेशनल। प्राइस के लिए आप जो है क्वेरी कर सकते हैं जी, वेबसाइट पे भी जाके आप पूछ सकते हैं, कॉल करके भी पूछ सकते हैं। और चूंकि प्राइस में थोड़ा सा प्लस माइनस होता है, इज नॉट उस तरह फ्रीली अवेलेबल नहीं है, मार्केट में बहुत सिलेक्टिव पीसेस हैं। तो आज ही आइए और इस खूबसूरत से गैजेट को अपने 9mm के लाइसेंस के ऊपर अपनी मलकियत बनाइए जी। थैंक यू वेरी मच।